अनुनेत्रिका सचित्र वर्णन करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मानव नेत्र को बनाएंगे और उसके सभी पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले आपको अगर एग्जाम में आता मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप पहले प्रश्नोत्तर लिखेंगे, इसके बाद मानव नेत्र डालेंगे, फिर उसके बारे में आपको जो भी पता है कुछ भी उसको पहले आप लिखेंगे। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इस द्वारा देख पाते हैं। यह नेत्र गोलक स्थित में होता है। यह गोलक नेत्र का जो व्यास होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार हम नेत्र का चित्र स्टेप बाय स्टेप अभी वीडियो में आगे हम बनाएंगे। तो पहले इस प्रकार आप देख लें, तो देखिए हमारा ये कॉर्निया है, जो नेत्र का आगे का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसी से प्रकाश हमारा जो है प्रवेश करता है, यहाँ से पहले प्रकाश आता है। तो इस प्रकार आप वीडियो में लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है जिसे हम देखते हैं, पहले तो हमारा कॉर्निया से यहाँ जली द्रव्य से नेत्र लेंस से गुजरता हुआ, फिर यहाँ पर रेटिना पे जाकर हमारा, इस प्रकार आप वीडियो में इस प्रकार आप लिख सकते हैं बनाकर। तभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे सबके बारे में, सबके पार्ट के क्या, इसे कैसे, परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, कॉर्निया किसे कहते हैं? यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है कॉर्निया। आयरिस, कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आयरिस कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्निया के ठीक पीछे यहाँ पे एक जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा, इसे हम आयरिस कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे, नेत्र लेंस किसे कहते हैं? पुतली के पीछे पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है जो मांसपेशियों द्वारा लटका रहता है। इस लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इस प्रकार आपको दिख रहा है, इसे उत्तल लेंस बोलते हैं। इसे हम नेत्र तारा या नेत्र लेंस भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे हम, कचाव द्रव्य, नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कचाव द्रव्य कहते हैं। इसे आप कांच द्रव्य या कचाव द्रव्य भी कह सकते हैं। नेत्र के अंदर भरा रहता है, यहाँ से जो हम प्रकाश आता है इसके अंदर से गुजरता है, तब जाके रेटिना पेज बनता है। तो देखिए, रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे रेटिना बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे अंदर जो झिल्ली होती है यहाँ पे, तो इसे हम रेटिना बोलते हैं। दृढ़ पटल, ये देखिए आंख का बाहरी वाला भाग होता है, बहुत मजबूत होता है, मतलब ये सबसे मजबूत पार्ट होता है आंख के बाहर, इसीलिए दृढ़ पटल इसे बोलते हैं। बाहरी अंग होता है आंख, बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है, इसे दृढ़ परत या दृढ़ पटल कहते हैं। पीत बिंदु, तो देखिए बाहरी भाग होता है दृढ़ पटल हमारा। अब यहाँ पीत बिंदु और अंध बिंदु के बारे में हम बात करेंगे। पीत बिंदु, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अस्पष्ट दिखाई देता है। जो पीत बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है हमें। अंध बिंदु, जिस स्थान से दृष्ट नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए हमारा अंध बिंदु, यहाँ पर जब हमारा प्रतिबिंब बनता है तो हमें स्पष्ट चित्र नहीं दिखाई देता। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोलर प्रकार लेना है और इस प्रकार आपको एक वृत्त बनाना है, फिर उसी बिंदु पे गोलर प्रकार को रखकर हल्की दूरी बढ़ाकर आपको एक और वृत्त उसके ऊपर इस प्रकार खींचना है। इसके बाद उसी बिंदु पर रखकर गोलर प्रकार को आपको एक और लेयर, तीसरी लेयर आपको इस प्रकार वृत्त बनाना है। इन तीनों वृत्त को बनाने के बाद आपको रबड़ और
रबड़ से आगे का भाग और हल्का सा नीचे का भाग आपको इस प्रकार मिटाना जैसे हम मिटा रहे हैं। तो यहाँ से आप पटरे की मदद से रखकर आप सीधे मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे आँख का आगे का भाग उभरा हुआ होता है, आपने भी आगे देखा वीडियो में। तो इस प्रकार हम ऐसे यहाँ पे जो आयरिस है, मांसपेशियाँ हैं, इसको हम बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम नेत्र तारा या नेत्र लेंस भी कहते हैं इसको, यहाँ पर हम बनाएंगे। इसके बाद हम आगे का भाग जो उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं कॉर्निया, इसको हम इस प्रकार बना देंगे। तो इसको आप दोहरा देंगे, इसको हम इस प्रकार दोहरा देंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए नीचे का जो पहली परत थी अंदर वाले, इसको इस प्रकार कर देंगे। फिर दोनों को हम बाहर इस प्रकार निकाल देंगे, इसको भी बाहर निकाल देंगे, इसको भी हम बाहर इस प्रकार निकाल देंगे। अब हम फ्रेंड्स इसको एक बार फिर से रिपीट करके थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, हल्का दोनों प्रकार से हल्का बनाता। तो इसको आप एक बार फिर से जो तीनों है पाई, इसको हम एक बार गाढ़ा कर देते हैं, फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। इस प्रकार आप पूरा अंदर भर देंगे इसको।